वीडियो का शुरुआत एक पंक्ति से करना चाहूंगा जो हमने लिखे हैं, गौर फरमाइएगा। हम घास का एक तिनका हैं, आप पीपल के भांति वृक्ष हो। हम जल का एक बूंद है तो आप भारत के लिए गंगा हो। हम उषा का एक किरण मात्र, समझिएगा मेरी बात, हम उषा का एक किरण मात्र, आप साक्षात सूर्य नारायण हो। प्रार्थना करते हैं हे महावीर, अमर आपकी गाथा हो। कलिंग, उड्र, उत्कल, उड़ीसा, नाम अनेक, स्थान एक। इसी महान भूखंड ने कभी महाभारत युद्ध में अपना योगदान दिया था, तो कभी ग्रीक के राजा डिमिट्रियस को भारत से खदेड़कर भारत का लाज रखा था। कभी इसका सीमा सुदूर त्रिपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक व्याप्त था, तो कभी ये बंगोप सागर का राजा कहलाता था। परंतु समय के आगे वीरों के वीर भी घुटने टेक देते हैं। बात है सन 1800 की। तब का उड़ीसा वो वाला उड़ीसा नहीं था जो 300 साल पहले था। दिल्ली के सुल्तान, बंग के नवाब और हैदराबाद के निजाम की लगातार आक्रमण उड़ीसा के आत्मा को छन्नी कर चुका था। हालांकि जब मराठों ने उड़ीसा का हाथ थामा तब उड़ीसा ने थोड़ा चैन की सांस लिया। परंतु अभी एक नया खतरा उड़ीसा के सर पे काले नाक की तरह कुंडली मारे बैठा था, और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। पर निराश मत हुईगा, क्योंकि यहीं से गूंजेगा भारत की स्वाधीनता संग्राम का पहला शंखनाद। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो महान योद्धा बिरसा मुंडा के ऊपर आने वाला है। बंग का नवाब धूल चाट चुका था, निजाम का कोई पता नहीं था, और मुगल तो कब का जा चुके थे, और बाकी रहे मराठा, वो इस काले नाग के साथ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। नवाब और निजाम का क्षेत्र अभी बंगाल एवं मद्रास प्रोविंस के नाम में नामित हो चुका था, और इसके बीच में था उड़ीसा। धीरे धीरे उड़ीसा का आकार घटते जा रहा था, एवं अंग्रेज उड़ीसा के एक के बाद एक अंश को निगलते जा रहे थे। तब शेष बचा था खोरधागढ़, जो 1000 साल से उड़ीसा का केंद्र बिंदु रहा था, और ये हैसियत उसका आज भी है। यहाँ पर राज था गजपति मुकुंददेव महाराज का। वे तो थे नाबालक, पर उनका एवं उनके राज्य का भार दो जन अपने सर उठा रखे थे, एवं वे थे जयराम महापात्र, जो राजा के कुल पुरोहित एवं प्रधानमंत्री थे। इनको लोग प्यार से जय राजगुरु बुलाते थे। एवं दूसरे थे हमारे अनसंग वॉरियर बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमरबर राय महापात्र, जिनको प्यार से लोग बक्सी जगबंधु बुलाते थे, जिनमें बक्सी का अर्थ होता है सेनापति। अंग्रेजों के खतरे को भलीभांति भांपते हुए प्रधानमंत्री जय राजगुरु 22 नवंबर 1803 को पाइक सेना को साथ में लेकर बाणपुर एवं पिपली पर हमला कर देते हैं। पहले तो अंग्रेज हार जाते हैं, परंतु मद्रास प्रोविंस से और सेना बुलाकर वे इस जंग को जीत लेते हैं। इस जंग में भले ही पाइक सेना हार गई हो, परंतु अंग्रेजों को संदेशा साफ था, निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिर अंग्रेज भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी खोरधागढ़ को जीतने के लिए पूरी षड्यंत्र रचते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये पाइक सेना कौन थे। ये थे गजपति महाराज के पदातिक सैनिक। इसी पदातिक शब्द से पाइक शब्द का उत्पन्न हुआ है। ये जंग के समय गजपति महाराज के सेना बनकर उड़ीसा का रक्षा करते थे। शांति काल में ये पुलिस बनकर उड़ीसा के आंतरिक शांति बजाय रखते थे, और हाँ, ये खेती भी करते थे ताकि उड़ीसा में कभी अकाल ना पड़े। इनका उड़ीसा में काफी ज्यादा मान सम्मान था, क्योंकि उड़ीसा तथा पूरी जगन्नाथ मंदिर के रखवाली करते थे। इनका ओहदा उड़ीसा में वो होता था जो एक राजपूत का राजस्थान में होता है। इनमें से तो 95% क्षत्रिय वंश से थे, परंतु इनमें कई दूसरे वर्ण लोग भी सम्मिलित थे। अंग्रेजों के आक्रमण को प्रतिहत करने हेतु जय राजगुरु खोरधा को पूरे अवैध बनाने के लिए यथोचित प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में उनका मदद करते हैं घुमसर के कोंधो आदिवासी। दोस्तों, नजर दौड़ाइए भारत की पश्चिमी छोर में स्थित मेवाड़ के ऊपर, जहां राजपूत सेना के साथ भील आदिवासियों ने मिलकर मुगलों की छक्के छुड़ाए थे, और यहां भारत की पूर्वी छोर पर पाइक सेना के साथ कोंधो आदिवासियों ने मिलकर अंग्रेजों की छक्के छुड़ाएंगे। खोरधा की हर एक प्रवेश मार्ग पर पाइक सेना मोर्चा संभाले हुए थे। कौंध आदिवासी जहरीले तीर लेकर पेड़ की डाली पे छुपे थे, ताकि अंग्रेजों की अच्छे से खातिरदारी किया जा सके, परंतु रब को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी बात पे एक पंक्ति हमारा याद आया, जरा गौर फरमाइएगा। हमको तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। किसी गद्दार की औलाद ने कुछ चंद रुपये के लिए अंग्रेजों को खोरधा में घुसने का गुप्त रास्ता बता दिया। फिर अंग्रेज खोरधा में घुस गए और राजा मुकुंददेव को बंदी बना लिया, एवं शर्त रखा, अगर जय राजगुरु आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम राजा को मार देंगे। राजा तो रहे नाबालक, इसलिए जय राजगुरु अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, एवं उनको बंगाल के मदीनपुर में एक बड़े से पीपल पेड़ में बांधकर दो टुकड़े करवा दिया गया, और इसी के साथ भारत के स्वाधीनता संग्राम का पहला स्वाधीनता संग्रामी का अंत हो गया।
फिर अंग्रेजों ने जो कहर ढाया वो पूछिए मत। महाराज मुकुंददेव जी को पूरी भेज दिया गया। जनता के ऊपर कर के भार लाद दिए गए। एक नया नियम लागू किया गया जिसको सूर्यास्त नीति बोला गया। इस नीति के अनुसार अगर आप सूर्यास्त से पहले कर नहीं चुकाएंगे तो आपकी पूरी संपत्ति कलकत्ता में नीलाम कर दिया जाएगा। पाई के सेना कई पुस्तों से जो जमीन गजपति महाराज के पास उपहार के स्वरूप पाए थे वो भी अंग्रेज नीलाम करवा दिए। यहाँ तक कि बक्सी जगबंधु जी के सारे संपत्ति हड़प लिया गया और उनको कंगाली के दरवाजे पर खड़ा करवा दिया गया। ये सारे घटना उड़ीसा के जनता के मन में बारूद की तरह सुलग रहा था, क्योंकि महाराज थे ओडिशा के राजनैतिक एवं धार्मिक प्रतिनिधि और प्रभु जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक। ऊपर से जय राजगुरु जी की हत्या लोगों को अंदर से हिला चुका था। लोग कर चुकाने के लिए साहूकारों से अर्थ लाते तो थे, परंतु घपलेबाज साहूकार चक्रबुद्धि सूद लगाकर अगर 10 रुपया होता था तो 100 ले जाते थे। लोग की जमीन चला गया था, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या तक करने लगे थे। और ये सारे घटना पाई के कुल गौरव बक्सी जगबंधु जी के सामने घट रहा था। सेनापति बक्सी जगबंधु के धैर्य के बांध टूटता है। उसी क्षण से प्रारंभ होता है पाई का विद्रोह, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। बड़े बड़े पाई के सरदार सेनापति बक्सी जगबंधु के आदेश पर खोरधा में एकत्रित होते हैं, जिनमें थे पिंडी की बाहुबलेंद्र, कुर्तिवासा पाटासाहणी, माधव चंद्र राउत राय प्रमुख। इसी महासंग्राम में कौंध, सांताल, बोंडा आदिवासी भी अपने जहरीले तीर कमान लेकर पाई के सेना की मदद के लिए जंग में कूद गए। गिदड़ की गुफा में अब शेर घुस चुका था। कई सालों से लोगों के मन में सुलग रहा बारूद को अब चिंगारी मिल चुका था। देखते ही देखते ये जंग खुर्दा से शुरू होकर कनिका, कुजंग, घुमसर होते हुए ढेंकानाल, संबलपुर, रंगेलुंडा, रसुलकुंडा तक फैल गया। खुर्दा, पूरी, पिपली एवं कटक पर तो आग बरस रहा था। मिट्टी के पात्र में बारूद एवं कांच भरकर उससे आग लगा के अंग्रेजों के ऊपर फेंका गया। गंजाम, दसपला आदि स्थान के जमींदार इस जंग में शामिल हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस बार अंग्रेज तो गए समझो, परंतु धोखा। अच्छे से अच्छे साम्राज्यों को गिराने का मंजर इतिहास में भरा पड़ा है। अंग्रेज इसका भरपूर फायदा उठाया एवं इन्हीं वीरों के सर पर इनाम रख दिया। सेनापति बक्सी जगबंधु और अन्य पाई के सरदार जंगल में रहकर गुरिल्ला युद्ध लड़ने लगे। इसी बीच अंग्रेजों के साथ हुई एक मुठभेड़ में खोरधा को बचाते बचाते पाई के सरदार वीर शिरोमणि तथा सेनापति बक्सी जगबंधु के घनिष्ठ मित्र पिंडी की बाहुबलेंद्र वीर गति को प्राप्त होते हैं। पाई के शिविर में दुख का लहर खिल जाता है। एक सुबह तापंगढ़ के पाई का सरदार कृतिवासा पाटासाहणी रास्ता के समीप खड़े थे। एक मछुआर उनके पास आया और उनसे पूछा, क्या आप तापंगढ़ के दड़ बेहरा तथा पाई का सरदार कृतिवासा पाटासाहणी जी के पता बता सकते हैं? कृतिवास जी ने धीरे से पूछा, क्यों, तुम्हारा उनसे क्या काम है? तब मछुआरे ने बोला, अंग्रेजों ने उनके सर के बदले 100 रुपये देने का घोषणा किया है। अगर मैं उनको पकड़ा दूं तो मुझे भी 100 रुपया मिलेगा, फिर मछली क्यों पकड़ना? उसके बाद तो ऐसी ऐसे है। सोचिए कितना गिरा हुआ नीच मक्कार आदमी था वो। ये वाक्य पाई के सरदार कृतिवास पाटासाहणी जी के हृदय को चुभ गए। वो सोचे, हम इतना कष्ट उठा के अपने परिवार से बिछड़ के ये जंग लड़ रहे हैं, क्या हम इन्हीं गद्दारों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं? फिर उनके नेत्र अश्रु से भर गया। अगर वो चाहते तो उसी क्षण वो मछुआरे के शरीर को तलवार की एक ही काट से 2 टुकड़े कर सकते थे। उसके बाद की घटना पर उड़ीसा में एक मशहूर लोकगीत प्रचलित है। वो लोकगीत है, तापंग गड़र दड़ बेहरामु कैबर्त्य आणीची घेनी, नियो मोरो सिर दियो ताकु धन सेत बड़ हिनी मानी। इसका हिंदी में अर्थ है, मैं हूँ तापंगढ़ के पाई का सरदार और ये मछुआरा मुझे यहाँ पकड़ के लाया है। हे अंग्रेजो, मेरे सर को धड़ से अलग कर दीजिए, परंतु बदले में उसे कुछ अर्थ दे देना, क्योंकि वो पैसों का भूखा है। ये बात सुनकर मछुआरा भी अपना गलती का एहसास किया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो जिनको तापंगढ़ के पाई का सरदार का पता पूछ रहा था वो खुद पाई का सरदार कृतिवास पाटासाहणी थे। अब रो के क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। इसी तरह स्वाधीनता के मंदिर पर जलने वाला और एक दिया को मक्कारी की आंधी ने बुझा दिया था। इसी बात पर और एक पाई का सरदार माधव चंद्र राउत राय जी का गुस्सा फूट पड़ा। वो सरदार कृतिवास पाटासाहणी जी को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों की सेना छावनी में शेर की भांति घुसे एवं तलवार की एक ही काट से अंग्रेज ऑफिसर लेफ्टिनेंट फेरिस को 2 टुकड़ों में काट डाला, परंतु तब तक बहुत देर हो चुका था। कौंधा एवं सांताल आदिवासियों के ऊपर भी बहुत जुर्म ढाया गया। उनको जबरन तोप के सामने लाइन में खड़े करके उनके चिथड़े उड़ा दिया गया। जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया और उनसे गुलामी करवाया गया। फिर भी वो बिना राजा, मंत्री, सेनापति एवं पाई का सरदार की होते हुए 2 साल तक अंग्रेजों से खूब लड़ा। फिर अंग्रेज भी बर्बरता दिखाया। पाई का सरदार की परिवार लोगों को पकड़ के मारने लगे। शर्त यही था, बस बक्सी जगबंधु आत्मसमर्पण कर दे। फिर और कोई रास्ता शेष नहीं था। ना राजा मुकुंददेव थे, ना प्रधानमंत्री जय राजगुरु, ना पिंडी की बाहुबलेंद्र कृतिवास पाटासाहणी और माधव चंद्र राउत राय जैसे महान पाई के सरदार।
एक से सौ तक बक्सी अकेले खड़े थे। फिर बक्सी 1825 में आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनका 1829 में स्वर्गवास होता है और इसी के साथ 40 साल तक चलने वाला महान पाइक विद्रोह का अंत घटता है। आप ये सोचेंगे 40 साल मजाक कर रहे हो क्या? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कभी गूगल विकिपीडिया में सर्च करिएगा पाइक रिबेलियन, तब आपको पता चल जाएगा। खैर, ये था कथा भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम का, कथा गद्दारों की धोखे का, कथा था पाइक विद्रोह का और ये कथा था पाइक कुलगौरव वीर शिरोमणि बक्सी जगबंधु जी का। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर अवश्य क्लिक कर देना। चलते हैं फिर एक नए अनसंग वॉरियर की तलाश में, तब तक जय जगन्नाथ।